नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। तथागत भगवान बुद्ध जी ने बताया, तीन प्रकार के लोग दुनिया में दिखाई देता है। वो तीन कौन है? एक है अंधा व्यक्ति, दूसरा है उसको एक आंख सिर्फ दिखाई देता है, तीसरा है दोनों आंख उसके पास है। पहला कौन है? अंधा है। दूसरा उसके पास सिर्फ एक आंख है। दूसरी वाल तीसरी वाली व्यक्ति दोनों आंख उसके पास है। अंध व्यक्ति कौन है? इस दुनिया में रहने वाले कोई कोई लोगों के पास इसी प्रकार आंख नहीं है। कैसा? जिस प्रकार आंखों से देखकर काम करते समय जो नहीं प्राप्त किया हुआ भोग संपत्त प्राप्त हो जाता है, जो प्राप्त हुआ भोग संपत्त बढ़ते जाता है, और जिस प्रकार आंख से देख के काम करते समय कुशल अकुशल पुण्य पाप के बारे में जान जाता है, गलत सही के बारे में भी जान जाता है, ऊंच नीच के बारे में भी जान जाता है, कल्याण एवं अवनति के बारे में भी जान जाता है, ऐसा आंख उसके पास नहीं है। कैसा आंख? वो भोग संपत्ति को भी पाने का आंख नहीं है। वो आंख कौन सा आंख है? वो आंख नॉर्मली आम आंख है। ज्ञानी आंख भी उसके पास नहीं है पुण्य पाप को समझने के लिए। वो कौन है? अंधा आदमी है। एक आंख इसके पास है, जिस प्रकार वो धन संपत्ति को कमा कर अमीर हो जाएगा, तो भोग संपत्त प्राप्त करेगा, तो उसी प्रकार आंख उसके पास है, उसी प्रकार दर्शन है उसके पास, वो एकदम आगे बढ़ रहा है, लेकिन पुण्य पाप कुशल अकुशल के बारे में कुछ समझता नहीं है, वही आंख उसके पास नहीं है, इसलिए वो आदमी के पास सिर्फ एक आंख है। तीसरा आदमी कौन है? ये आदमी जो कुछ देखभाल करके काम करेगा तो भोग संपत्ति आगे बढ़ जाएगा, वो सारे संपत्ति प्राप्त करने वाले आंख उसके पास है, तथा पुण्य पाप कुशल अकुशल ऊंच नीच श्रेष्ठ नीच तथा उन्नति अवनति के बारे में समझने वाले ज्ञान की आंख भी उसके पास है। तो ज्ञान की आंख वाले व्यक्ति धन संपत्ति से भी आगे बढ़ता है, धर्म में भी आगे बढ़ जाता है, दोनों तरफ से वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। अंधे लोग जो अंधे लोगों को जो कुछ भोग संपत्ति है वो भी नहीं मिल जाए। कौन सा अंधे लोग? आंख है लेकिन धन संपत्ति कमाने वाले आंख नहीं है, धन संपत्ति कमाने का दर्शन नहीं है, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध बताया, एक आंख वाले आदमी वो धार्मिक ढंग से भी धन कमाता है, अधार्मिक ढंग से भी धन कमाता है, कपट हो के भी धन संपत्ति कमाता है, ईमानदार हो के भी धन संपत्ति कमाता है। वो एक वाले आदमी, एक आंख उसके पास है, सिर्फ धन कमाने का आंख। वो लोग चोरी करके झूठ बोल के हर तरफ से धन संपत्ति कमाने में चतुर हैं। वो लोग मरने के बाद नरक में चल जाता है, और
तथागत भगवान बुद्ध ने बताया श्रेष्ठ आदमी के बारे में, उसके पास आरब्ध वीर्य है, सही ढंग से वो धन संपत्ति कमा के आगे बढ़ता है, उसके मन में धर्म ज्ञान के बारे में कोई सख्त संदेह नहीं है, वो पुण्य करता है, पुण्य करके वो सुंदर जन्म पाते हैं, धन संपत्ति भी कमाता है, धर्म अधर्म सब समझ के अधर्म को छोड़ देता है, धर्म को अपनाता है, वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसके साथ संगत करना चाहिए। और तथागत ने बताया इस दुनिया में तीन प्रकार के लोग हैं। पहला है अवकुज्ज पन्या व्यक्ति, कौन है? अवकुज्ज पन्या व्यक्ति। दूसरा है उच्चांग पन्या व्यक्ति, क्या है? उच्चांग पन्या व्यक्ति। तीसरा है पुथु पन्या व्यक्ति, तीसरा कौन है? पुथु पन्या व्यक्ति। अवकुज्ज पन्या मतलब पलटा हुआ दिमाग है उसके पास, उल्टा दिमाग है, वो कौन है? वो भंते लोगों से धर्म सुनने के लिए निरंतर आश्रम में आता है, उनको भंते लोग सुंदर मध्यम सुंदर अंत सुंदर पारिशुद्ध धर्म बताता है, वो धर्म सुनते रहते समय वो धर्म का मतलब समझता नहीं है, शुरू भी समझता नहीं, मध्यम भी समझता नहीं, अंत भी समझता नहीं, वो आसन से उठ के जाते समय में भी बताया गया ज्ञान के बारे में कुछ सोचता नहीं है, वो ऐसी बात है। फलटा हुआ एक घड़ा है, उसको पानी जितना भर दीजिए भर जाएगा? पानी कभी नहीं भरेगा। वैसे ही है, कोई कोई लोग भंते लोग से प्रवचन सुनने के लिए आता है लेकिन कुछ समझता नहीं है, बिना समझ के ही बैठ के रहता है, उठ के जाते समय में भी मनन करके समझता नहीं है, वो कौन है? अवकुज्ज पन्या, उल्टा वाले दिमाग को उसके पास है, अवकुज्ज पन्या वाले व्यक्ति। दूसरा है उच्चांग पन्या व्यक्ति, कौन है? उच्चांग पन्या व्यक्ति। उच्चांग पन्या व्यक्ति मतलब, उच्चांग पन्या मतलब गोदी का ज्ञान है उसके पास, गोदी का ज्ञान उच्चांग पन्या। वो कैसा है? बनते लोगों के पास निरंतर आता है प्रवचन सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए आश्रम में आकर के सुर मध्यम अंत पवित्र ज्ञान सुनता है, वो ज्ञान बताते समय सब समझता है, हमारे संडे स्कूल जैसा, बताते समय सोचता है हम ऐसे करेंगे, हम ऐसा रहेंगे, हम पाप नहीं करेंगे। उसी प्रकार धर्म में, धर्म सुनते समय भंते जी प्रवचन बताते समय ठीक है लेकिन उठ के जाते समय, जाने के बाद बाहर आश्रम से बाहर जाने का कुछ याद नहीं है, मजाक करने का मौका आ गया तो मजाक करता है, झूठ बोलने का मौका झूठ बोल देता है, कोई गंदगी पिक्चर देखने देख लेता है, जो कुछ गलत करना कर लेता है लेकिन ज्ञान सब भूल गया इधर से बाहर जाने के साथ साथ। उसके लिए एक उदाहरण बताया है, कोई आदमी का गोदी में तिल चावल लड्डू या तो फिर बैर वैसा कुछ खाने वाले सामान भरा हुआ है,
लेकिन वो उसके पास उसका विचार दूसरा जगह है। बिना सोच उसके पास याद नहीं, गोदी में ऐसा भरा हुआ, तुरंत उठ जाता है। उठने के बाद क्या होता है? सब कुछ नीचे गिर जाता है, फैल जाता है। जो है, जो सब भरा हुआ है, सब गिर जाता है। वैसे ही है गोदी का प्रवचन। वो भंते लोग से प्रवचन सुनने के लिए बार बार आता है। आने के बाद क्या करता है? धर्म सुनता है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझता है। जाने के बाद सुना हुआ धर्म के बारे में मनन करने में आलसी है। बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, छोड़ देता है। वो कौन है? उच्छंग पंजा, गोदी का प्रज्ञा है। उसका प्रज्ञा गोदी का है, छोड़ के चल जाता है। हम बोल दिए ना पहले भी। और है पुथु पंजा। पुथु पुथु मतलब एकदम फैला हुआ प्रज्ञा। पुथु मतलब फैल, फैल प्रज्ञावान व्यक्ति को उन्हें, जहाँ कोई कोई लोग निरंतर भंते लोगों से प्रवचन सुनने के लिए आश्रम में आता है। आके उन लोग पवित्र प्रवचन, सुर मध्य मंत्र शुद्ध पवित्र उपदेश सुनते हैं। सुनने के बाद, सुनते समय वो ज्ञान समझता है, सुर मध्य अंत मनन करके समझता है, तथा वो इधर से उठ के जाने के बाद भी बताया हुआ ज्ञान को अच्छी तरह समझ लेते हैं। ऐसी बात है, अच्छा से रखा हुआ घड़ा है, उसमें कोई छेद नहीं है। उसमें पानी भर दिया तो फालतू गिर जाएगा? नहीं, आराम से भर जाता है। वैसे ही है, कोई कोई लोग आश्रम में आता है प्रवचन सुनने के लिए, लोग प्रवचन सुनते हैं। सुनने के बाद उस समय अच्छा से मनन करते हैं प्रवचन, फिर जाने के बाद भी उसी ज्ञान को समझ लेते हैं। याद करता है, क्या बताया है, क्या बताया है, अच्छे से मनन करके समझ लेते हैं। हर एक प्रवचन का शुरू मध्यम अंत समझ लेते हैं, याद करता है। यह तीन प्रकार के लोग हैं। अवकुज्य पंजा वाला व्यक्ति, यानी कि उल्टा वाले दिमाग वाले व्यक्ति, भंते लोग के पास आकर के हर पल प्रवचन सुन लिया, तभी कोई मतलब नहीं। वो धर्म का शुरू मध्यम अंत कभी समझता नहीं है। तथा उच्चंग पंजा वाले व्यक्ति भी कोई मतलब का नहीं है, सुनेगा लेकिन सब उठ के जाते समय भूल जाता है। फैला हुआ प्रज्ञावान व्यक्ति, यानी कि पुथु पंजावान व्यक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि वो निरंतर प्रवचन सुनता है। वो जहाँ बैठता है वहाँ भी समझता है, फिर उठ के जाने के बाद भी याद करता है, समझता है। वही है सारे दुख को मिटाकर सभी दुख से मुक्त होने वाले व्यक्ति। सारे